या जो बच्चे जिनका एग्जाम 12th ये जुलाई में, 1 जुलाई से लेके 15 जुलाई के बीच में होना था, ठीक है ना, या वो बच्चे जो अपने जो आपका एडिशनल सब्जेक्ट है उस एडिशनल सब्जेक्ट के मार्क्स को चैलेंज करना चाहते हैं या दोबारा देना चाहते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो पूरा का पूरा सर्कुलर है उसका मतलब है हमारा मॉडलिटीज एंड शेड्यूल ऑफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स, यानी कि क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए 2020 में जिनका एग्जाम हुआ है। इसके अंदर मैं तीन चीजें आपको बताऊंगा, पहला है वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, दूसरा है ऑब्टेनिंग ऑफ फोटोकॉपी, और तीसरा है री इवेल्युएशन ऑफ मार्क्स। ध्यान रखना है जो पहला पॉइंट है वो अकेला चल सकता है, लेकिन दूसरा और तीसरा जो पॉइंट है वो केवल फर्स्ट पॉइंट के साथ ही चलेगा। यहाँ पर ध्यान से आप समझ लीजिए कि जो आपका रिजल्ट आया है, अगर आप उन मार्क्स को, किसी भी सब्जेक्ट के मार्क्स को या कितने भी सब्जेक्ट के मार्क्स को वेरीफाई कराना चाहते हैं तो वेरीफाई कर सकते हैं। आप अपने आंसर बुक्स की फोटोकॉपी पूरी तरीके से लेना चाहते हैं तो पूरी तरीके से फोटोकॉपी ले सकते हैं। फोटोकॉपी लेने के बाद में अगर आप किसी भी क्वेश्चन के आंसर में दिए हुए मार्क्स पर मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग चैलेंज करना चाहते हैं तो चैलेंज कर सकते हैं। उसकी फीस, डेट, शेड्यूल 100% मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले आप ये देख लें कि कौन कौन कैंडिडेट हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं, यानी कि ये अप्लाई कर सकते हैं। तो जितने भी बच्चे हैं, चाहे वो कंपार्टमेंट में है, चाहे वो पास है, और चाहे वो फेल डिक्लेयर किए गए, ठीक है ना। हालांकि इस बारी फेल का कोई कॉलम नहीं आया है ना, तो उसकी जगह दूसरा वर्ड रख दिया है। तो देखिए, रिक्वेस्ट टू ऑल द प्रोसेस विल बी एक्सेप्टेड ओनली ऑनलाइन, ये सबसे पहले ध्यान रखने की ज़रूरत है। हर एक जो चीज़ है वो ऑनलाइन ही चलेगी, अब तो भैया वैसे भी ऑनलाइन चलेगी। CBSE की ऑफिशियल वेबसाइट है cbseNIC.in, खूब अच्छे तरीके से आपको पता होगी। दूसरी जो बात ये है, द प्रोसेसिंग चार्ज जो लगेगा आपका वो क्रेडिट कार्ड से या डेबिट कार्ड से या नेट बैंकिंग से ही लगेगा, यानी कि मनी ऑर्डर से या DD से या चेक से या कैश से नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट जो बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर कोई भी आपके फॉर्म भरने में इनकम्प्लेंसी हुई, यानी कि एरर आई, तो उसके जिम्मेदार आप ही होंगे और उसको दोबारा से करेक्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चीज पे चलता हूँ। बोर्ड विल भी रेस्पॉन्सिबल, बोर्ड जो है इन सब चीज़ के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा, जो भी आपकी चीज़ें सब चीज़ें वेबसाइट पर आएगी। अब चलते हैं जी यहाँ पर, इन केस वेयर देयर इज ए चेंज इन मार्क्स। देखिए अगर मार्क्स अगर आपके चेंज होते हैं, यानी कि या तो इंक्रीज होते हैं और डिक्रीज भी हो सकते हैं, ये भी ध्यान रखना है, और इतने भी डिक्रीज हो सकते हैं कि आप कंपार्टमेंट में जी आ जाए, बहुत कम चांसेस होते हैं लेकिन हो सकते हैं, ध्यान रखना है। सपोज करिए किसी सब्जेक्ट में आपके जो टोटल मार्क्स हैं वो 33 आए, ठीक है ना, और या 35 आए और आपने यहाँ पर चैलेंज किया और 2 मार्क्स कम हो गए, 3 मार्क्स कम हो गए, तो आपको उसको कंपार्टमेंट में देना पड़ेगा। तो इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ लेना। अब देखिए अगर आपके मार्क्स, ये ध्यान रखना है कि अगर आपके मार्क्स चेंज होते हैं, अगर मार्क्स आपके चेंज नहीं होते तो आपको ऑनलाइन ही आप अपने स्टेटस को अपडेट करते रहे, वहाँ पर आपको पूरा ब्यौरा मिल जाएगा। और अगर चेंज होते हैं, ठीक है ना, तो फिर आपको नेक्स्ट स्टेप पर जाना पड़ेगा। प्रोसेसिंग जो चार्ज है वो रिफंडेबल नहीं है। वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स का देखिए, रिजल्ट ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स विल बी अपलोडेड ऑनलाइन ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है ना। अगर आपके मार्क्स चेंज होते तो फिर आपके लिए एक लेटर आएगा, और अगर मार्क्स आपके चेंज नहीं होते तो आपको कोई लेटर नहीं आएगा। हालांकि आप स्टेटस पर अपडेट करते रहेंगे तो सारी जानकारी आपको ऑनलाइन ही मिलती रहेगी। चलिए मैं आगे फटाफट से चल देता हूँ कि अगर आपने वेरिफिकेशन कराया है और फिर आप फोटोकॉपी लेना चाहते हैं, जो प्रोसेसिंग चार्ज है वेरिफिकेशन का वो 700 पर सब्जेक्ट है। इसका जो प्रोसेसिंग चार्ज है वेरिफिकेशन का वो 500 रुपीज़ पर सब्जेक्ट है, ध्यान रखना है। और अगर आप फोटोकॉपी लेना चाहते हैं तो वो 700 रुपीज़ पर सब्जेक्ट है। प्रोसेसिंग चार्ज विल बी 700 रुपीज़ पर सब्जेक्ट। एप्लीकेशन फॉर ऑब्टेनिंग फोर लोको फोटोकॉपी, सेकेंड स्टेप है ये, ठीक है ना। आप फोटोकॉपी ले लीजिए, अपनी मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग अपने हर एक क्वेश्चन का आंसर चेक कर लीजिए। अगर आप आंसर चेक कर लेते हैं और फिर भी आप सेटिस्फाइड नहीं है और आप रीवेल्युएट कराना चाहते हैं तो आप रीवेल्युएट करा सकते हैं। एक फॉर्म आपको सबमिट करना होगा, सॉरी, वहां पर आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस बताने होंगे, मैक्सिमम मार्क्स, मिनिमम मार्क्स बताने होंगे, यानी कि टोटल कितने का मार्क्स था, कितने मार्क्स आपके आए और आपके अकॉर्डिंग कितने मार्क्स आ सकते हैं। 100 पर क्वेश्चन,
उसका चार्ज आपको लगेगा, ठीक है ना। अब इसका डेट देख लो अच्छे तरीके से, पूरे अच्छे तरीके से डेट शीट 12th क्लास के लिए आ गई है। हालांकि 10th क्लास के लिए भी सेम प्रोग्राम होगा, है ना। हो सकता है डेट में कोई चेंज आ जाए या डेट जो है एक्सटेंड हो जाए, ध्यान रखना है। वेरिफिकेशन करने के लिए जो आपकी डेट है वो 17 जुलाई से 21 जुलाई के बीच में होगी, मुझे ऐसा लगता है। हालांकि अभी 10th का रिजल्ट आने वाला है आज ही, लेकिन मुझे लगता है यही डेट 10th क्लास के लिए हो जाएंगी, ठीक है ना। 17 से 21, यानी कि काफ़ी दिनों का गैप दिया हुआ है, 6-7 दिन का। और इसका सब्जेक्ट जो चार्ज है वो 500 रुपीज़ पर डे है, ये आपको पता ही है। ऑनलाइन पेमेंट करना है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से, ठीक है ना। ध्यान रखना है कि जो 21 तारीख है उसमें आप शाम को 5 बजे से पहले पहले या 5 बजे तक ही अप्लाई कर दें, उसके बाद में आपकी 6 बजे आपकी 21 तारीख में एप्लीकेशन को नहीं माना जाएगा। फोटोकॉपी अगर आपने लेनी है, ध्यान रखना है, वही कैंडिडेट फोटोकॉपी ले सकते हैं जो अपने किसी सब्जेक्ट के लिए वेरीफाई करा चुके हैं, ठीक है ना। एक सब्जेक्ट या कितने भी सब्जेक्ट का वेरिफिकेशन आप यहां से करा सकते हैं। ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, www.cbseneet.in पर ही जाना है, ठीक है ना। वहां पर 1 अगस्त और 2 अगस्त, केवल 2 दिन है बच्चे, वही 5 बजे तक, ध्यान रखना है। 2 अगस्त का संडे है, ये बस सोच जाना आज तो संडे है। ऑनलाइन के लिए संडे मंडे ट्यूजडे सब एक ही जैसे होते हैं। 700 रुपीज़ पर आंसर बुक होगा। और भाई जो रीवैल्यूएशन के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो 6 अगस्त और 7 अगस्त यानी कि थर्सडे और फ्राइडे वही 5 बजे तक 100 रुपीज़ पर क्वेश्चन आपको यहां पर चार्ज करना होगा। तो ये जानकारी मैंने दी है, इसी तरीके की बहुत खास खास जानकारी मैं आगे देता रहूँगा, ठीक है ना। वैसे भी आप पर्सनली फ़ोन करके या कमेंट सेक्शन में आप कोई क्वेरी करना चाहते हैं तो ज़रूर कर सकते हैं। सीबीएसई के बारे में कंप्लीट जानकारी, कंप्लीट हेल्प मैं आपकी करता रहूँगा। और मेरे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आगे आने वाली वीडियो बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल होंगी। पढ़ाई के साथ साथ मैं आपके सीबीएसई के जितने भी शेड्यूल्स हैं उस पर आपको यहाँ पर अपडेट करता रहूँगा। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।